नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे ब्रेड का उपमा। ब्रेड का उपमा बनाने के लिए आपको सिर्फ ब्रेड लेने हैं और ब्रेड को इस तरीके से चौकन करके स्क्वायर शेप में काट लेना है। और इसमें ब्रेड में आपको जितने भी इसके धार के साइड होते हैं वो साइड को आपको निकाल लेने हैं कि उसमें वो आए नहीं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने साइड सारे निकाल लिए हैं। मसाले इसमें से थोड़े थोड़े मसाले जैसे जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर है जो आपको अगर ज़रूरत हो तो आप दे सकते हैं, नमक है, हल्दी है, एक तेजपत्ता है और एक जो है दालचीनी है। उसके साथ हम ये मूंगफली सेंग भी रखेंगे मिलाने के लिए। ये बारीक कटी हुई एक प्याज, गाजर है, थोड़ी सी मिर्ची है जो अगर आपको लगे आप हरी मिर्ची थोड़ी सी दे सकते हैं, थोड़ा सा पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता भी है और एक नींबू है। ये सारे चीज़ों को लेके और आपको थोड़ा सनफ्लावर या कोई भी तेल आप ले सकते हैं, मिलके हम बनाएंगे आज ब्रेड का उपमा। अभी हमको गरम कढ़ाई में तेल भी गरम कर लेना है और सबसे पहले हमें थोड़ा सा ये दालचीनी और तेज़पत्ता को थोड़ा सा सौते करके फिर उस पे हमें प्याज को डाल देना है। प्याज को हमें थोड़ा सा भून लेना है गरम तेल में, इस तरीके से हमें भून लेना है। प्याज भून जाए हमें उस पर अभी कटी हुई जो बारीक गाजर वो हमें मिला देना है और इसमें हमें गाजर को इस प्रकार से मिला लेना है और इसको थोड़ा हमें सौते कर लेना है। ज़्यादा भी इसको फ्राई नहीं करना है, सिर्फ सौते कर लेना है। अभी ये थोड़ा सा हल्का फ्राई हो ही गया है, अभी इसमें हमें थोड़ा सा धीरे धीरे मसाला मिला लेना है। थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर हमें उसे मिला लेना है। इसमें हरी मिर्ची अभी हम नहीं डालेंगे, अभी इसमें हरी मिर्ची डालेंगे तो उसमें धुआं आ सकते हैं जिसमें आग जलते हैं, नाक जलते हैं, काफ़ी तकलीफ होता है। अभी हमें इसमें ब्रेड, कटे हुए ब्रेड्स को मिला रहे हैं और इसे हमें धीरे धीरे ऐसे मिक्स कर देना है। नमक हमेशा हम अंतिम में देते हैं क्योंकि नमक अगर हमने बीच में दे दिया है तो इसमें खाना चिपक जाते हैं, तो हम इसे जस्ट उतारने से पहले हम इसमें नमक मिला लेंगे। ये हमारा मिल गया, ये इस प्रकार से अच्छा मिल गया। अभी इसमें हमें अभी एक चिमटी नमक इस तरह मिला देना है, उसे फिर हमें यूं मिला देना है। हमारे पास जो पीनट्स हैं, सेंग दाल रोस्टेड पीनट, वो हमें मिला देना है। अभी ये बनकर तैयार हो गया है, हमें इस पे नींबू के रस दे देने हैं। ये हमारा उपमा तैयार हो गया, बहुत अच्छा इसका खुशबू भी आ रहा है। इसमें हमने कोई अलग कोई मसाले नहीं मिला है क्योंकि अगर आप इसमें बच्चों को टिफ़िन में भी देना चाहे तो टिफ़िन में दे सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी है। और हमारी बारीक कटी हुई धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता भी हमने अभी मिला दिया, थोड़ा सा मिर्ची है, हल्का मिर्ची हमने, थोड़ा सा ग्रीन चिली वो हमने मिला दिया कि इसमें खुशबू आए। मिर्ची में ऐसा है कि आप मिर्ची को काटते समय बीच से काटें और उनके जो सीड्स होते हैं वो आप निकाल देंगे तो वो तीखापन चला जाता है पर मिर्ची की खुशबू हो जाए। अभी इसको गैस को बंद कर देते हैं हम और ये हमारा बनके तैयार हो गया है और ये सर्व करने के लिए ये तैयार है। ये देखिए आप कितना अच्छा बना है, कितना कंसिस्टेंसी इसके अच्छे हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट भी है, आपको हम दिखा देते हैं। और बिल्कुल पानी मत डालिएगा, ये देखिए कितना सॉफ्ट है,
ये देखिए, इसमें बिल्कुल पानी मत डालिएगा। इसमें आप नींबू का रस इस्तेमाल करें। अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा पानी डालना है तो उस टाइम समय पे आप नींबू का रस की इस्तेमाल करें, आप पानी बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो ब्रेड सॉगी होने का डर रहता है। एकदम सॉफ्ट और बहुत अच्छा टेस्टी होगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा खास करके। और ये झटपट बनता है, 5 मिनट के अंदर आपका ये बन के जो है तैयार हो जाएगा। हम आशा करते हैं यह सबको अच्छा लगेगा, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सबके साथ मिल बांट के खाएं और खुशियां मनाएं। थैंक यू।